कम में दाम करने के लिए गौशाला के लिए जो जो भी बोलिए वो हम लोग कर देते हैं। बाबा बोले कि नहीं भैया, हम लोगों को एक रुपया नहीं चाहिए, हम पैसे के लालच में सब नहीं किए हैं, क्यों हम अपने इंसानियत के नाते ऐसे। रिश्तेदार लोगों पर विश्वास नहीं करेगा आदमी तो किस पे करेगा, उसमें कोई गैर है नहीं, तो टोटल रिश्तेदार है लोग वही धोखाधड़ी की। आदमी जन खास उत्साह लोग यानी ये गो साड़ू बाल है वो नहीं कर लेते। यही एक छोटा सा बच्चा है जो वीरेंद्र महतो जी का लड़का है, और परिवार का हालात उस समय कैसा था जब पता चले इन लोगों के कि वीरेंद्र कुशवाहा जी की मौत हो गई, कैसा था घर में बुआ सब? माँ रो पीटन लाग गई था। सब लोग रोए घर में? हाँ। इको मन खोजला के बाद है कि फर्स्ट ओवर में? फर्स्ट ओवर में सब लोग घर में रोए। हाँ, फोन कॉल सुन के मर गए तब रोन पीटन लाग गई। अच्छा, वो लोग जो बुला के लेकर का कहे? कह दल मर गए तोर बाबूजी। बाबूजी मर गए? हाँ। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ है, नया मोड़ यही है, सामान पूरा जो सामान था आपका, सामान वामान लेके वो लोग आपको छोड़ दिया था स्टेशन? छोड़ के भाग गया, लेके जान बुझ के छोड़ा था वो लोग? हाँ, जान बुझ के छोड़ के भागल वाले। तो यहाँ बता रहा था लोग कि वो दूसरे गाड़ी से आए थे और आप दूसरे? नहीं, सब लोग साथ ही था। वो हम क्या दो आदमी साथ है, यानी आपको जान से मारने के लिए से वो लोग छोड़ के चलाया था? हाँ, तब हमारा तो हम बेहोश रहनी वो प्लेटफार्म पर थी, मैं अभी कॉन्टिशन कानपुर में। अच्छा। वो सही लोग हम कहनी जो तब गाड़ी में लेट भैया तो हम चल पाँच मिनट बस सुतर रहनी हो जा सुतर रहनी चलक ही लोग गाड़ी आई बा हम कुछ नहीं कि जाना मियाज हमारा। हाँ, बुखार से हमें सूझ रहनी। अच्छा, छोड़ के गाड़ी से चल। हाँ, और रिश्ता मेरा और का लगे ला मैंने गाँव के रह लो कि रिश्तेदार? ना, हमारे दू जने खास उत्साह रहा लोग। अच्छा, यानी एगो साड़ू बाड़े उ नहीं के लैका हलो। अच्छा, आई बीटू आयल बाड़े तो ममेरा सार हलो हम मंगल महतो के लैका हो, यानी ममेरे सार हलो मने जितना लोग रहे सब लोग रिश्तेदार रहे? रिश्तेदारे रहे लोगों में बाली कोई ना रहे। अच्छा, अभी लोग हमरा को तो छोड़ के ही भागल बाड़े बीटू हमके दुइये जने रहले रहन से संग। अच्छा, वहाँ ये लोग के साथे करी नहीं तो वहाँ कौन काम करवाओत रहे लोग? वो तो काम हम के ये करी सर जो भट्टी चलाई सर। कथी के भट्टी? चूना के। चूना के? हाँ। वो चूना के ठेकेदारी कर लो? हाँ, भट्टी के। हाँ, भट्टी के। काफी मेहनत होती? हाँ, मेहनत है कि ये चीज ज्यादा हो गया। अच्छा, रउआ जब पता चलल कि हमारा घर से कॉन्टेक्ट हो गई बात रउआ के लागल? कैसे लागल? दुख लागल। दुख लाल की खुशी बल के अब हम अपने घर पहुँच जाए जल्दी? हाँ, घर अला पर तो खुशहाली आइए गई, माने पहले ही लोग घर बुझम जो मरण भैया पर तो सब है अपन पलवार रोबे करी भाई परिवार सब है जे सुनी से रोही के अथी में रही शुद्ध बात कहाँ कर पाई। कहावत सुने हैं कि कहा जाता है कि माई मरो और मौसी जियो, और इनकी साढ़ू के लड़का लोग था और इनकी पत्नी उन लोगों की मौसी लगेगी, लेकिन अपनी मौसी को ही परिवार में आके झूठी खबर सुनाते हैं लोग कि जो है कि मौसा जी मर गए हैं। कुछ साले लोग हैं जो कहते हैं कि जीजा जी मर गए हैं लोग। अब सोचिए जो खास रिश्तेदार हो के अपने ही परिवार के एक सदस्य को मारा हुआ साबित कर रहे हैं। हालाँकि इस घर का इस परिवार का सौभाग्य है कि वापस से जीवित वापस आ जाते हैं, लेकिन भैया हैं जिन्होंने इन्हें बुलाने गए थे। लेकिन हालात उस समय की हम घर का समझेंगे, उस समय भैया घर का हालात कैसा था आप लोग का? नहीं, बहुत बुरा हालत था, मान के चलिए कि अब मरने का बात आदमी जान जाए, और उस समय सोचिए ना कि उस समय का माहौल कैसा होगा। उस समय आप लोग आए रहते तो माहौल देखते कि हाँ माहौल कुछ बहुत बुरा हाल था। अच्छा, वीरेंद्र कुशवाहा जी इनके तो छोटा सा एक बच्चा है जी, तो बच्चा ने पूरा काम क्रिया किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का नहीं कि वो लोग रिश्तेदार है, रिश्तेदार हो के इस तरह से कर्मकांड किया वो लोग? अब यही आप ही देखिए ना कि मान के चलिए कि अब ऐसे रिश्तेदार लोगों पर विश्वास नहीं करेगा आदमी तो किस पे करेगा, उसमें कोई गैर है नहीं, तो टोटल रिश्तेदार है लोग वही धोखाधड़ी किया है लोग। अब पता नहीं इनसे क्या उनकी दुश्मनी थी कि ताकि वो ऐसा किया है लोग। अच्छा, आप जब बुलाने गए थे खबर मिला था तो आप कैसे महसूस आप लोग किए थे? हम लोगों को तो जब पता चला, जब इनसे वीडियो कॉल पे बात हुआ ना, तो शरीर में मतलब खुशी भी आ रहा था, आ इस समय जो गुस्सा भी था, नहीं इंटरनेट का युग है, हम लोग को डर भी था
मान के चलिए जी हम लोग के साथ भी कहीं धोखाधड़ी न हो जाए। अच्छा। कि जो जहाँ पे रहते थे ना तो वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, उत्तर प्रदेश का वो जंगल है, आज भी रिकॉर्ड उसका जंगल का है। मतलब जहाँ ये थे वहाँ से 2 किलोमीटर वहाँ जंगली जानवर का हुजूम शुरू हो जाता है। अच्छा। 2 किलोमीटर मन और आगे बढ़ने पर तो इस बात से डर भी लगता था। और फिर जैसे इनके साथ धोखाधड़ी हुआ, हम लोग भी ये सोच रहे कि मान के चलिए कि इंटरनेट से कोई बना के और वीडियो कॉलिंग दिखा दे वहाँ जाने के बाद, अगर हम लोग के साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोग के साथ। हम लोग जैसे गए, बाबा से भी मिले, बाबा भी जो जितना बताना था हम लोग को इनके बारे में बताए, बाबा बता रहे थे, हम लोग तो वो दृश्य इनका देखे नहीं, लेकिन बाबा जो बता रहे थे वो बात इनके शरीर किससे हालात से ऐसा लगता है कि वास्तव में इनका वो सत्य बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि 1 महीना दिन इलाज कराए हैं बाबा अपने पॉकेट से, और इनको दवा दारू सब कराए, खाना पीना सब दे रहे थे। और हम लोग ये भी चर्चा किए बाबा से, जो बाबा आप बोलिए जो आश्रम में दान करने के लिए, गौशाले के लिए जो भी बोलिए हम लोग कर देते हैं। बाबा बोले कि नहीं भैया, हम लोगों को 1 रुपया नहीं चाहिए, हम पैसे के लालच में सब नहीं किए हैं, जो हम अपने इंसानियत के नाते ऐसा किए हैं। तो बाबा भी मतिहारी जिला के हैं? जी जी जी, अयोध्या जी का जो बाबा है ना महंत जी, उन्हीं का वो चेला है, मोतिहारी का ये रहने, उनका प्रॉपर मकान मोतिहारी में पड़ता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं अब तो परिवार में खुशी है और दूसरी बार इनको जीवन दान मिला है। वाह, वास्तव में बाबा इनके लिए इनके जीवन पर बाबा का अधिकार पूरा है, कि वो बाबा अगर छोड़ दिए रहते तो फिर ये परिवार से मिलते ही नहीं। जो बात सही था वो सत्य हो ही। इस कहानी से क्या लगता है कि कोई भी रिश्तेदार पे भरोसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मान के चलिए ऐसे फर्जी रिश्तेदारों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मान के चलिए कि हम कहीं सफ़र में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के साथ जाते हैं, तो गाड़ी का भीड़ भाड़ में तो आदमी खो ही जाता है, कभी कभी खो जाता है आदमी, लेकिन उनको उनका यही फर्ज बनता था कि ये बता देना कि हाँ हम कानपुर स्टेशन पर थे या कोई भी स्टेशन पर यहाँ तक हम ले कर आए हैं, यहाँ के बाद वो खो गए हैं। तो इस पर थोड़ा उन लोगों को उन पर विश्वास जमता, लेकिन वैसा धोखाधड़ी किया लो कि जिसमें ये छोटा सा परिवार, गरीब परिवार एक फंस के पीस के रह गया है। लेकिन आप लोग काम क्रिया कर दिए, उसके पहले आप लोग FIR क्यों नहीं किए थे? नहीं, FIR करने तो हम लोग गए थे। हाँ। लेकिन यहाँ लौरिया थाना पड़ता है ना। हाँ। तो ये थाना प्रभारी बोले कि नहीं, ये इस केस में हाथ नहीं डालेंगे, हमको केरला जाना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। अच्छा। जो हम नहीं डालेंगे, जो आप लोग शिकारपुर से, तो शिकारपुर गए हम लोग। तो थोड़ी देर पहले वो बोले कि नहीं आप लोग ढूंढो, हम लोग बोले कि सर हम लोग 4-5 दिन तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन उनसे आप उनको पकड़ो और उनसे पूछो, जब हकीकत बताए, भारत छोटा मोटा शहर नहीं ना है कि जब जाए यहाँ से गए बेतिया से जाके वहाँ से सामान खरीदे घर चले आए, जाना पड़ेगा दूर, जो आप पता कीजिए कौन से स्टेशन से छूटे हैं, फिर हम लोग वहाँ जाके ढूँढेंगे। तो थाना प्रभारी 10 मिनट मौन रहे और उसके बाद बोले कि लाओ वो दरख्वास्त दो हमको, दे दिए, फिर हम लोग का मोबाइल नंबर ले लिए वो, और लेके बोलते हैं कि ठीक है 2 दिन के बाद हम बता देंगे। अच्छा, आसानी से मैंने कह गए रिश्तेदार लोग कि ये मर गए? हाँ जी, आसानी से कह गए, बहुत आसानी से बोला है लोग। मान के चलिए 3 बार 4 बार गए उनसे, उनका पांव भी हम लोग पकड़े कि भैया बता दो जो कहीं छूट गए हैं, तो वो बोल दो, आ नहीं केरला से ही साथ नहीं आए तो ये भी बता दो, तो हम केरला जाएंगे ढूंढने के लिए।